तेज खबर 24 में इस वक्त खबर है रीवा से, जहां मध्य प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने आज अपनी विभिन्न समस्याओं के साथ एक दिवसीय प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन आंदोलन किया है। प्रदेश व्यापी यह आंदोलन धरना प्रदर्शन रीवा के कलेक्ट्रेट के सामने धरना स्थल पर हुआ है। इस आंदोलन में प्रमुख रूप से 6 कर्मचारी संगठन शामिल रहे हैं, जिनके द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को जिला प्रशासन को 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। रीवा में हुए धरना प्रदर्शन में मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश तृतीय कर्मचारी संघ और मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, इसके अलावा मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश शासकीय राजस्व कर्मचारी संघ सहित मध्य प्रदेश पेंशन एसोसिएशन शामिल रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनकी मांगे। 6 संगठन मिल करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारी 17 सूत्री मांगे पिछले 6 महीने से लगातार शासन स्तर पर विचाराधीन है। आज दिनांक तक कोई सुनवाई न होने के कारण हम लोग आंदोलन की राह में हैं और हमारे 6 संगठन लिपिक वर्ग, लघु वेतन, शासकीय वाहन चालक, राजस्व, पेंशनर एवं तृतीय वर्ग श्रेणी कर्मचारी संघ, सब कोई इकट्ठा होकर के आज आंदोलन कर रहे हैं। आधे दिवस का हमारा आज का आंदोलन है और इसमें 17 बिंदुओं पर विशेष फोकस किया गया है। लिपिकों का संचालनालय के समान वेतन मान 2400 ग्रेड पे दिए जाने मंत्रालय के समान, और लघु वेतन कर्मचारी संघ का 1300 के स्थान पर 1800 ग्रेड पे करना, कार्यभारित कर्मचारियों का 300 दिवस का अवकाश नवदीकरण नियमित कर्मचारियों के भात करना, आशा कार्यकर्ता, स्थायी कर्मी, अंशकालीन, दैनिक श्रमिक आदि का सम्मानजनक वेतनमान एवं नियमितीकरण, आदि 17 बिंदुएं शासन के समक्ष विचाराधीन है, जिसके संबंध में आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और अभी 4 बजे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के पश्चात जरूरत पड़ेगी तो लगभग निश्चित है 4 अगस्त को हम लोग एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। ये हमारा आंदोलन समस्त 52 जिलों के पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है और आगे इसमें और गति होने की आवश्यकता है। और मैं सभी कर्मचारी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो 4 तारीख को सभी आंदोलन में रहेंगे और एक दिवस का सामूहिक अवकाश लेंगे। बस अभी 4 बजे हमें ज्ञापन सौंपना है। KC त्रिपाठी, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, जिला रीवा।